हेलो एवरीवन, लॉग नाइन मटेरियल्स जो कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, रिसेंटली इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये जल्द ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में इस्टेब्लिश करने वाले हैं। इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए लो कॉस्ट पर बैटरीज मैन्युफैक्चर की जाएंगी। और इनका ये प्लांट कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं होने वाला, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा जो कि अगले साल तक 50 मेगावाट आवर कैपेसिटी का अचीव कर लेगा और आगे आने वाले 3 से 5 सालों में इसकी कैपेसिटी 5 गीगावाट आवर तक हो जाएगी। लॉग नाइन मटेरियल्स इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी फील्ड में काफी अच्छा काम कर रही है। कुछ टाइम पहले कंपनी ने LFP यानी कि लिथियम फास्फेट बैटरी और LTO बैटरी यानी कि लिथियम टाइटेनेट बैटरी, इन दोनों बैटरीज के बारे में कंपनी ने बताया था। ये दोनों बैटरीज एक ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरीज के कंपैरिजन में 9 times फास्टर चार्ज होती हैं। अराउंड 15 मिनट में इनकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बैटरी डिग्रेडेशन भी यहाँ पर काफी कम है यानी कि बैटरी लंबे टाइम तक चलेंगी। और इनकी ये बैटरीज -30 degrees से up to 60 degrees तक भी ऑपरेट करेंगी। कंपनी ने इसे स्पेशली इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाया है। इसके अलावा लॉग नाइन मटेरियल्स वही कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम फ्यूल सेल्स पर भी काम कर रही है। अभी इंडिया में काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स में चाइना से इंपोर्ट की जाने वाली बैटरीज को यूज़ किया जा रहा है और लॉग नाइन मटेरियल्स इस चीज़ को चेंज करना चाहती है। तो कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी है, इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जल्द ही प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ये कंपनी लो प्राइस पर बैटरीज बनाएंगी तो EVs की प्राइस भी सिग्निफिशेंटली ड्रॉप हो सकती है। तो लॉग नाइन मटेरियल्स को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।